लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि हिंदी बिग बॉस में जाएंगे वाइल्ड कार्ड बन के। भाई साहब हिंदी बिग बॉस में तो पता नहीं क्योंकि गेम ऑलरेडी सेट हो चुका है, पर मराठी बिग बॉस में ऑब्वियसली मैं जाना चाहूँगी वाइल्ड कार्ड बन के वापस, क्योंकि मुझे सबसे बदले लेने हैं, मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ है। वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा हुनर को न देखा। ओके हाय यशस्वी, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बिग बॉस की आपकी जर्नी के लिए। टॉकिंग अबाउट योर जर्नी इन बिग बॉस, टेल अस इफ यू लुक बैक, किस तरीके से आप अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करती हैं और देखती हैं? थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। इंडिया फोरम्स तो पहले से घर जैसा फील करता है, सो आई एम हैप्पी टू बी हियर। बिग बॉस की जर्नी, ओ गॉड, इट्स अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। हर रोज़ हम एक टास्क के लिए रेडी होते हैं, हर रोज़ गेम की प्लानिंग करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल। बट एट द सेम टाइम फॉर मी इट वॉज अ लर्निंग कर्व, इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है मैं खुद को थोड़ा कम समझती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, अपने बारे में बात नहीं करती, पर वहाँ जाके मुझे ऐसा समझ आया कि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना अपने बारे में बात करते हो उतना ज़्यादा लोगों को पता चलता है, अदरवाइज़ हमेशा आपके बारे में लोग सर्च नहीं करेंगे। सो दिस वॉज वन लर्निंग दैट आई गॉट। ऑल्सो मज़ा आया यार टास्क खेलने में, दिन भर किचन में खाना बनाने में, एवरीथिंग इज अ चैलेंज देयर, और मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, सो इट वॉज नाइस। राइट, सो अलॉन्ग विद योर फैंस, यू नो ऑडियंस, आपके को कंटेस्टेंट्स सब काफ़ी सरप्राइज थे आपके एविक्शन से, वॉट एग्जैक्टली डू यू थिंक वेंट रॉन्ग के ऑडियंस से कनेक्ट वो जो है नहीं बन पाया? आई थिंक ऑडियंस से कनेक्ट बना है, बट शायद उतना वोट्स नहीं आया, वो क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता। पर जब भी मैं बाहर आई हूँ, जिन लोगों से भी मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, सबने मुझे कहा कि एटलीस्ट तूने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जस्ट बिकॉज तुझे सपोर्ट चाहिए था या तुझे नॉमिनेशन से डर लगता था। मैं हमेशा अकेली खेलती रही जिंदगी में, मैं हमेशा हर चीज़ से अकेली लड़ती हूँ, एंड दैट्स माई जनरल स्टैंड इन लाइफ। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कोई गलती की या ऐसा कोई रिग्रेट एज सच नहीं है। एक आम आदमी जैसे शहर के गुंडों से लड़ता है, दादा लोगों से लड़ता है, वैसे मैं अकेले लड़ रही थी। राइट, सो यू नो टॉकिंग अबाउट द टास्क, जैसे कि आपने बताया कि टास्क करने में काफ़ी मज़ा आता था, एक टास्क था जो पानी पीने वाला टास्क था एंड यू हैड अ ब्रेक डाउन आफ्टर दैट इवन व्हेन यू परफॉर्म्ड सो वेल, व्हाट एग्जैक्टली कॉज दैट ब्रेक डाउन? यश, पानी पीने वाला, हाँ, एक कुछ जब आप वॉशरूम में जाकर आप रो रहे थे। ओह, सो दैट वॉज नॉट पानी पीने वाला टास्क, उसमें ना कुछ भी अजीबो गरीब चीज़ें खानी थी, जो भी चैलेंज आपको दिया जा रहा है उसे कम्प्लीट करना था। तो मेंटली मैं हर चीज़ के लिए तैयार थी, मैं इनफैक्ट अपने बाल तक शेव करने के लिए तैयार हो चुकी थी मेंटली, पर ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बहुत कुछ खाना पड़ा, लेकिन हर टास्क जो है वो मैंने बहुत शिद्दत से किया और कंप्लीट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक टास्क आपने कैंसिल किया, आपको उसी वक्त करना चाहिए था, दूसरा टास्क देना चाहिए था। सारे टास्क होने के बाद आपने एक टास्क कैंसिल किया जिसके पॉइंट्स आप मुझसे छीन रहे हो और इस वजह से मुझे इस टास्क से बाहर कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए एकदम शॉकिंग था। मुझे लगा काफ़ी अनफेयर है और मेरा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं किसी पे गुस्सा करके चिल्ला कर वो गुस्सा नहीं निकालना चाह रही थी, इसलिए मैंने बाथरूम में जाके जोर जोर से चिल्ला के वो गुस्सा निकाला है। राइट, ओके, टॉकिंग अबाउट योर प्रैंक्स इन द शो, एक प्रैंक ने काफ़ी बैकफायर भी किया था, उस प्रैंक के बारे में हमें बताइए, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? सिर्फ वही नहीं, मैं कोई भी प्रैंक करती ना तो भी बैकफायर होता फॉर श्योर, क्योंकि घर के लोगों को मेरा कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, हमेशा बुरा दिखता है। हमने सोचा था कि थोड़ा भूत वाला नाटक करेंगे और वो प्रैंक शुरू किया था, पर उस घर में ना हर घर की एक अलग प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, तो इस घर की प्रकृति ऐसी है कि एक दूसरे के साथ अच्छा बना के रखेंगे, नहीं भी होगा मन में किसी के खिलाफ कुछ भी होगा, मुंह पे हम दिखाएंगे कि अच्छा है। तो जब मेरा प्रैंक हुआ उसके बाद सब लोग काफ़ी परेशान हो गए थे कि इसे कुछ हो तो नहीं गया, और थोड़ी केयर करने लगे थे, और जब उन्हें पता चला कि ये प्रैंक था तो पता नहीं क्या यार, सब लोग मतलब मुझ पे ही गुस्सा करने लग गए। आई थॉट कि कुछ मजा मस्ती हो जाएगी, पर वो कुछ अलग ही हुआ और उस वजह से सब लोग गुस्सा भी हो गए थे। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे दिन उन लोगों ने यही प्रैंक हमारे एक टास्क में यूज़ किया एज अ जोक, तो उन्हें एज अ जोक तो उन्हें पसंद आया था, पर शायद उस जगह पर मैं थी, कोई और होता तो वो जोक बनता, मैं थी इसलिए शायद सजा बन गया। राइट, बट व्हाट डू यू थिंक यशस्वी, क्या लगता है क्यों ये फ्रेंडशिप्स और ये सारी चीज़ें अंदर घर के अंदर नहीं हो पाई? व्हाई डू यू थिंक एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट यू? क्या ये रीज़न ये था कि यू नो यू डिसाइडेड टू नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप? प्रॉब्ली हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो कि मैं मुँह पर सारी चीज़ें बोलती थी, मुझे इस बात से चिढ़ है
कि अगर मुझे कोई बंदा पसंद नहीं है तो मैं मुंह पे उससे अच्छी बात करूँ और उसके पीठ पीछे जाके उसकी बुराई करूँ। मुझे जिससे जैसी वाइब्स आती थी मैं वैसा रिएक्ट करती थी, मैं हर चीज़ के बारे में खुल्लम खुल्ला बात करती थी, और शायद ये रीज़न था कि किसी को मैं इतनी पसंद नहीं थी। राइट, ओके। अपूर्वा के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाहर आकर आपके इंटरव्यूज़ में आपने कहा कि आप उनकी कभी शक्ल नहीं देखना चाहती, वाई एग्जैक्टली? शी इज़ अ वेरी बॉसी लेडी, बहुत बॉसी है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करती है, जो गली का एक गुंडा नहीं होता मवाली वैसी लगती है, और बहुत झूठी है यार वो, मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है, मजाक उड़ाती है लोगों का, विच आई डोंट लाइक एज अ पर्सनैलिटी। तो ऐसे लोगों से शायद मेरी दोस्ती ज़िंदगी में कभी ना हो पाए, और यही रीज़न है कि मैं उसे कभी नहीं मिलना चाहती। ओके ओके, बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हु डू यू थिंक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एज ऑफ नाउ इन द गेम, और किसका गेम मतलब नेक्स्ट एविक्शन कॉज कर सकता है? आई थिंक अभी तक किरण, अक्षय और समृद्धि आर गोइंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग, द स्मार्ट इनफ। उसके अलावा मुझे लगता है कि विकास का गेम शायद पलट सकता है, क्योंकि किरण अभी सीक्रेट रूम में गया है, तो उसके बाद विकास क्या करेगा आई हैव नो आइडिया, और मैंने दो दिन से देखा भी नहीं है, पर मुझे लगता है उसका गेम थोड़ा डामाडोल हो सकता है। राइट, ओके, लास्टली कोई आगे चल के क्या प्लान्स है? अगर वाइल्ड कार्ड एज अ कंटेस्टेंट आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, विल यू बी बैक इन द शो? यू नो व्हाट, दिस इज सच अ फन क्वेश्चन। लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि हिंदी बिग बॉस में जाएंगे वाइल्ड कार्ड बन के? भाई साहब, हिंदी बिग बॉस में तो पता नहीं, क्योंकि गेम ऑलरेडी सेट हो चुका है, पर मराठी बिग बॉस में ऑब्वियसली मैं जाना चाहूँगी वाइल्ड कार्ड बन के वापस, क्योंकि मुझे सबसे बदले लेने, मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ है। राइट, ओके, अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 6 हफ्तों तक आपने मुझे घर के अंदर रखा, प्यार दिया, वोट्स किए, मैं बाहर आने के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले पढ़ने के लिए, बहुत सारे DMs आए जिसमें आपने मेरे गेम को अप्रिशिएट किया है, मुझे समझा है, हमेशा ये बोला है कि यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन इन द हाउस, सो मुझे समझने के लिए थैंक यू। और जैसे अभी तक आपने प्यार दिया है वैसे प्लीज़ आगे देते रहिएगा, और मेरी पूरी बिग बॉस की जर्नी के लिए खुद को डिस्क्राइब करने के लिए मैं शायद ये गाना गाऊँगी, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा हुनर को न देखा। Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you so much. We hope that you guys enjoyed this chat with her. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums for more. Anjal Chaudhary, camera person Babaji and Vineet, India Forums, Mumbai.